आप देख रहे हैं TNB। है कोई जिसे अपने वीर होने का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है। कोई रावण, यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, जैसे हमारे घर वाले हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, पर अपनी संस्कृति और आपके संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। रामायण महाभारत ये जितनी भी कथाएं हैं ये हमारे संस्कारों से हमें अवलोकन कराती हैं। हमारी रामायण मॉडर्नाइज्ड है कि यंगस्टर्स भी देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, उनको भी मज़ा आएगा बिकॉज एक्शन सीक्वेंसेस हैं, क्रेन्स यूज़ करी हैं, मॉडर्नाइज्ड टेक्निक यूज़ करी हैं। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। लवकुश रामलीला कमेटी का भव्य मंचन लाल किला मैदान में किया जा रहा है और आज हमारे साथ साक्षात प्रभु श्री राम जी मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो प्रणाम। कैसा लग रहा है भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए? जी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ, बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ लवकुश रामलीला कमेटी के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया। एंड आई एम श्योर कि एक नए तरीके से प्रभु श्री राम की के किरदार को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। सर वैसे तो मेरी स्माइल रुक नहीं रही है और शायद आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जब प्रभु श्री राम रहे होंगे तब वो भी आप ही की तरह बहुत सुंदर रहे होंगे तो लेकिन सर अब जैसे लोग कहीं ना कहीं जो हैं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं, रामलीलाएं काफ़ी कम होने लगी हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, जैसे हमारे घर वाले हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, पर अपनी संस्कृति और आपके संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। रामायण महाभारत ये जितनी भी कथाएँ हैं ये हमारे संस्कारों से हमें अवलोकन कराती है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए। आई नो आजकल के यंगस्टर्स, मैं भी यंग ही हूँ, काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नया कंटेंट आ गया है, एवरीथिंग इज सो मॉडर्नाइज, बट स्टिल हमारी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, फिर वो कपड़े हो या पर हाँ हम ये कर सकते हैं कि जैसे इस बार हमने किया है कि हमारी रामायण मॉडर्नाइज्ड है, यंगस्टर्स भी देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, उनको भी मज़ा आएगा बिकॉज एक्शन सीक्वेंसेस हैं, क्रेन्स यूज़ करी हैं, मॉडर्नाइज टेक्निक यूज़ करी हैं। तो ऐसे ही मैं बाकी भी जो रामलीला आयोजन कर रहे हैं या महाभारत या जो भी हमारी गाथाएं आयोजन कर रहे हैं, मैं बोलूँ आजकल की यंगस्टर्स को नया कुछ देखने का मन है, तो जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी कोशिश कीजिए कि नए तरीके, नए तौर तरीके थोड़ा मॉडर्नाइज करें, जिससे यंगस्टर्स को भी समझ में आए, उनको आनंद भी आए और इन्जॉय भी करें और कुछ सीखें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी लास्ट में एक मैसेज आपके चाहने वालों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जी राघव के चाहने वाले तो हमेशा TV में उन्हें देखते हैं, पर प्रभु श्री राम के चाहने वालों को मैं बस यही कहूँगा कि भक्ति को पहचानिए, असली भक्ति को पहचानिए। प्रभु राम सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब उनकी रचाई हुई चीज़ों को या उनकी रचाए हुए पशु पक्षियों की आप मदद करें, कोई ज़रूरतमंद दिखे उसको दान करें, उसकी मदद करें। भक्ति दिखानी है तो किसी भूखे को कुछ खिला दें, अगर आपको श्रद्धा दिखानी है तो किसी मंदिर में जाएं, पूजा करें, ज़्यादा भी नहीं, कर्म योग है, कर्म कीजिए, पर पूजा करें तो करें, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है दान देने में, किसी की मदद करने में, तो ज़रूर कोई दिखे तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, यही सीख है रामायण की।
तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राघव तिवारी जी, जो इस बार लवकुश रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। तो उन्होंने बता दिया है कि वो इस किरदार को निभाते हुए कितना अच्छा जो है वो फील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। तो अगर आप भी इनसे ताल्लुक़ रखते हैं और भगवान श्री राम के भक्त हैं तो एक बार ज़ोर से जय श्री राम बोलिएगा, और साथ ही अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।